हेलो गाइज, मैं सौर कुमार आज एक नए वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। तो आज हम भारत के स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में बात करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, इसरो। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं। 15 फरवरी 2017 को PSLV के सफल प्रक्षेपण के बाद भारत ने विश्व में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। जो काम विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका नहीं कर पाया है, वो काम भारत के इसरो संस्थान ने एक ही बार में कर दिखाया है। इसरो ने PSLV रॉकेट की सहायता से एक साथ 104 सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में स्थापित करने का रिकॉर्ड बनाया है, जो अभी तक कई देशों के लिए सिर्फ एक सपना ही है। ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है और इसरो की उपलब्धि से हर भारतीय नागरिक का सर भी गर्व से ऊंचा हो गया है। तो आइए आज हम इसरो से जुड़ी कुछ बेहद शानदार बातें जानते हैं, जिन्हें हर भारतीय को जाननी चाहिए। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। यह अंतरिक्ष विभाग द्वारा कंट्रोल की जाती है, जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट भेजता है। भारत में इसरो के कुल 13 सेंटर हैं। इसरो की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1969 में की थी। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, चीन समेत भारत ने दुनिया के उन 6 देशों में शामिल है जो अपनी भूमिका पर सैटेलाइट बनाने और उसे लॉन्च करने की क्षमता रखते हैं। भारत के लिए 86 सैटेलाइट लॉन्च करने के अलावा इसरो ने 21 अलग अलग देशों के लिए भी 79 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। इसरो का बजट केंद्र के कुल खर्च का 0.34% और GDP का 0.08% है, जो कई गुना खर्च नहीं है। इसरो का पिछले 40 साल का खर्च नासा के एक साल के खर्च का भी आधा है। वहीं नासा की इंटरनेट स्पीड 91 GDPS है और इसरो की इंटरनेट स्पीड 2 GDPS है। पाकिस्तान की भी एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम सुपारको है। यह 1961 में बनी थी, जबकि इसरो ने आज अपने लिए 86 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, बल्कि सुपारको के लिए सिर्फ 2, वो भी विदेशी देशों की मदद से। और पाकिस्तानी कहते हैं कि हम भारत पे कब्जा करेंगे। भारत के पहले रॉकेट को लॉन्च के समय भारतीय वैज्ञानिक हर रोज़ तिरुवनंतपुरम से बसों में आते थे और रेलवे स्टेशन से दोपहर का खाना खाते थे। पहले रॉकेट के कुछ हिस्सों को साइकिल पर ले जाया जाता था। आर्यभट्ट इसरो का पहला उपग्रह है, जो 19 अप्रैल 1975 को रूस की सहायता से लॉन्च किया गया था। उस समय अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त था। 1981 में एप्पल सैटेलाइट के संसाधनों की कमी की वजह से बैलगाड़ी पर ले जाया गया था। SLV-3 भारत के द्वारा लॉन्च किया गया पहला स्वदेशी उपग्रह था, जो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। एंट्रिक्स, यह इसरो का कमर्शियल डिवीज़न है जो हमारी स्पेस तकनीक को दूसरों देशों तक पहुंचाती है। एंट्रिक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देश के 2 बड़े उपगणित रतन टाटा और जमशेद गोदरेज है। किसी और संगठन की अपेक्षा में इसरो में सबसे ज़्यादा सिंगल साइंटिस्ट हैं। इन्होंने कभी शादी नहीं की और पूरा जीवन संगठन को समर्पित कर दिया। 2008 और 9 के बीच में इसरो ने चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था, जिसका व्यय 350 करोड़ था, यानी नासा से 8 या 9 गुना कम था। इसी ने चांद पर पानी की खोज की थी और चांद पर पानी की खोज करने वाला भारत पहला देश बना था। इसरो अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला एकमात्र देश था। अमेरिका 5 बार, सोवियत संघ 8 बार और रूस, चीन अभी प्रयास में असफल रहे थे पहले प्रयास में। इसरो का मंगल मिशन आज तक का सबसे सस्ता प्रोजेक्ट रहा है। सिर्फ 450 करोड़ रुपये अर्थात 12 रुपये प्रति किलोमीटर, जो एक ऑटो के किराए के बराबर है। हमारा मंगल मिशन कई हॉलीवुड फिल्मों से भी सस्ता है। इसरो के मिशन मंगल प्रोजेक्ट का एक फिल्म भी बनाया गया, उसका भी नाम मिशन मंगल रखा गया है। इस फिल्म को आप देखेंगे तो आपको पूरी चीज़ पता चल जाएंगी कि कैसे इसरो मार्स के ऑर्बिट में गया। बहुत ही अच्छी मूवी है, देख लीजिएगा। इसरो ने गूगल के अर्थ का देसी वर्जन भुवन बनाया है। यह वेव आधारित 3D सैटेलाइट इमेजिनरी टूल है,
जब बहुत से देश नेविगेशन पर्पस के लिए अमेरिका के जीपीएस पर निर्भर थे, तब इसरो ने सफलतापूर्वक नेविगेशनल सैटेलाइट्स IRNSS को लॉन्च कर चुका था। आप चाहे तो इसरो के सैटेलाइट डाटा भी खरीद सकते हैं। HD चित्रों के आदि की ज़रूरत पड़ने पर यह अवसर लाभ उठा सकते हैं। क्या आपको पता है कि इसरो की सबसे छोटी संस्था है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसरो ने पिछले 14 साल में 12 अरब रुपए की कमाई की थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।